फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो ये पूछते हैं कि वन ऑफ, फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ और ऑल ऑफ का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वन ऑफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इन सभी के बारे में देखेंगे। वन ऑफ मीन्स में से एक। जब आपको कहना हो कि बहुत सारे नाउंस में से एक, तो आप वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। मेरे दोस्तों में से एक गैर हाजिर है, यानी बहुत सारे लोगों में से एक लोग गैर हाजिर है। तो आप कहेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अब्सेंट, यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त गैर हाजिर है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि वन ऑफ की वन ऑफ के साथ आने वाला लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि वन ऑफ एक सिंगुलर वर्ड है जिससे किसी एक इंसान का पता चलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मेरी किताबों में से एक, तो आप कहेंगे वन ऑफ माय बुक्स, यानी अगर आपको कहना हो मेरी किताबों में से एक गायब है, तो आप कहेंगे वन ऑफ माय बुक्स इज मिसिंग। अगर आपको कहना हो मेरी कुर्सियों में से एक गायब है, तो आप कहेंगे वन ऑफ माई चेयर्स इज मिसिंग। तो फ्रेंड्स वन ऑफ मीन्स बहुत से नाउंस में से एक। फ्यू ऑफ और सम ऑफ दोनों का मतलब होता है में से कुछ, यानी बहुत सारे नाउन में से कुछ। फ्यू ऑफ का मतलब भी कुछ और सम ऑफ का मतलब भी कुछ। तो फिर आप कैसे समझेंगे कि कब आपको फ्यू ऑफ बोलना है और कब आपको सम ऑफ बोलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं ताकि इस बात को आप हमेशा याद रख सकें। मोर देन अ कपल इज फ्यू एंड मोर देन फ्यू इज सम। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। फ्रेंड्स दो से ज्यादा के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो से ज्यादा जैसे तीन, चार, पाँच। लेकिन अगर हम बात सम की करें तो सम का यूज कुछ के लिए करते हैं जहाँ नंबरिंग चार, पाँच, छह, सात हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात याद रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर लिखा हो मेरे दोस्तों में से कुछ गैर हाजिर हैं, तो आप कहेंगे फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर अब्सेंट। आइए फ्रेंड्स इस एग्जांपल को देखते हैं। मेरी कुर्सियों में से कुछ गायब हैं, तो आप कहेंगे सम ऑफ माय चेयर्स आर मिसिंग। यहाँ भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि सम ऑफ के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि बहुत सारे नाउन में से कुछ, तो आप फ्यू ऑफ या सम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाइयों में से कुछ बीमार हैं, तो आप कहेंगे फ्यू ऑफ माय ब्रदर्स आर इल। आइए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। मोस्ट ऑफ मींस में से ज्यादातर, यानी जब आपको ये कहना हो कि बहुत सारे नाउंस में से ज्यादातर, तो आप मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है मेरे दोस्तों में से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। में से ज्यादातर के लिए मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर एजुकेटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक प्लूरल वर्ड है जिसे ज्यादा लोगों का पता चलता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर एजुकेटेड। फ्रेंड्स अगर लिखा हो मेरे विद्यार्थियों में से ज्यादातर कामयाब हैं, तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। अगर लिखा हो मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई भी नहीं पढ़ा लिखा है। जब आपको कहना हो कि बहुत सारे लोगों में कोई नहीं, तो आप नन ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एजुकेटेड, यानी मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे विद्यार्थियों में से कोई भी कामयाब नहीं है, तो आप कहेंगे नन ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको नन ऑफ का यूज समझ में आया, कि नन ऑफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो बहुत सारे नाउंस में से कोई नहीं। आइए फ्रेंड्स अगला यूज देखते हैं। ऑल ऑफ में से सभी। फ्रेंड्स वर्ड ऑल ऑफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो बहुत सारे नाउंस में से सब या सभी। अगर आपको कहना हो मेरे दोस्तों में से सभी कामयाब हैं, यानी ऑल माय फ्रेंड्स मेरे जितने भी दोस्त हैं ए टू जेड सभी कामयाब हैं। तो फ्रेंड्स जब आपको कहना हो कि बहुत सारे नाउंस में से सब के सब, तो आप ऑल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर सक्सेसफुल। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मेरे विद्यार्थियों में से सब मेहनती हैं, या
मेरे विद्यार्थियों में से सब के सब मेहनती हैं, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि ऑल ऑफ का इस्तेमाल अब तक करेंगे जब आपको कहना हो कि बहुत सारे नाउंस में से सब। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सीखा। आइए देखें कि अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो आप अपने सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। अभी तक आपने सीखा कि इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ कैसे करना है, लेकिन अगर हम बात अनकाउंटेबल नाउन की करें तो मैं आपसे कहूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी वो नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ब्लड, राइस, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आप वन ऑफ या फ्यू ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ और ऑल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मीनिंग वही रहेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे सम ऑफ मिल्क इज इम्प्योर, यानी दूध का ज्यादातर जो हिस्सा है वो इम्प्योर है। नन ऑफ मिल्क इज इम्प्योर, दूध का कोई भी हिस्सा इम्प्योर नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है ऑल ऑफ मिल्क इज इम्प्योर, पूरा दूध या सब का सब दूध इम्प्योर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आप वन ऑफ या फ्यू ऑफ का इस्तेमाल न करें, बल्कि आप सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ और ऑल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।